सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और आज की वीडियो में आपके साथ बात करूंगा OnePlus ने OnePlus 5T के लिए 5.1.1 का नया स्टेबल अपडेट रोल आउट किया है। और ये 5.1.0 पे इंक्रीमेंटल OTA अपडेट है जो कि करीबन 56 MB का अपडेट है। और इसमें जो रिंगटोन का और नोटिफिकेशन का इशू आ रहा था उसको फिक्स कर दिया गया है। और आप अगर आप 5.0.4 पे रहोगे तो आपको 5.1.1 का पूरा स्टेबल रॉम मिल जाएगा या फिर पूरी अपडेट मिल जाएगी। और ये अपडेट एक्चुअली मॉर्निंग में ही 2 घंटे पहले रोल आउट किया है, तो अभी इंडिया में आने के लिए ऑलमोस्ट 2-3 दिन चले जाएंगे। लेकिन ये अपडेट अभी सभी को मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने जो पुराना वाला अपडेट था 5.1.0 उसको स्टॉप कर दिया था वो रिंगटोन के इशू की वजह से। इसलिए इंडिया में भी ये अपडेट रोल आउट नहीं हुआ था। अभी का जो अपडेट है वो इंडिया में जल्दी ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये अपडेट में क्या क्या है और एक अपडेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और दोस्तों, ये मेरा बच्चा काफ़ी सुबह से ज़िद कर रहा था, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको इधर बिठा दिया है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो भी सब्सक्राइबर को पहुँचाना ज़रूरी था। तो इसे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आपका कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो ये 5.1.1 का जो नया अपडेट रोल आउट हुआ है और ये एक्चुअली डेट टू उधर 15 अप्रैल दिखा रहा है, लेकिन ये अभी सुबह ही रोल आउट हुआ और उन्होंने एक्चुअली मर्ज कर दिया था 8.1 के साथ। और इधर देख सकते हो आप हॉट फिक्स अपडेट इधर उन्होंने डाल दिया है कि फिक्स रिंगटोन इशू फॉर फोन एंड नोटिफिकेशन। तो जिन जिन लोगों को 8.1 पे अपडेट करने के बाद रिंगटोन का इशू आ रहा था वो ये पर्टिकुलर बग फिक्स में फिक्स कर दिया है 5.1.1 में। और बाकी जो चेंज लॉग है वो सिमिलर है जो 5.1.0 पे था, जैसे कि नेविगेशन गेस्टर्स को ऐड कर दिया है, सिक्योरिटी पैच को ऐड कर दिया, 8.1 को अपडेट कर दिया गेमिंग मोड और लॉन्चर के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल कर देना है। मैं आपको मेरा वर्जन दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा 8.1 वर्जन है 5.1.0, क्योंकि मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था। अभी आपको डायरेक्टली सिस्टम अपडेट में तो नहीं मिल जाएगा ये अपडेट, तो ओपेरा वीपीएन के साथ ट्राई कर सकते हैं। ओपेरा वीपीएन के लिए आपको पुराना वाला वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1.4.0 वाली जो वर्जन है एपीके वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप apkmirror.com साइट पे जाना और ये 1.4.0 वाली वर्जन डाउनलोड कर लेना। एक बार फिर इसमें जाते हैं तो फिर कनाडा को कनेक्ट कर लेना। एक बार कनाडा को आप कनेक्ट कर लेते हो तो सिस्टम अपडेट में चले जाना और आपको इधर नया अपडेट मिल जाएगा जो कि रहेगा 5.1.1 वाला, आप देख सकते हो 58 MB वाला। अभी आप ये ओपेरा वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। चलो, मैंने ओपेरा वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर दिया और इधर से मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये 100% डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। तो अभी इसको मैं रिबूट टू अपग्रेड सिस्टम कर देता हूँ और फिर ये कंप्लीट रिबूट होने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएगा, फिर इसके बाद मैं आगे इसका वर्जन दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये सिस्टम अपडेट सक्सेसफुली इधर आ गया है। और एक बार हम लोग सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं इसका वर्जन। और आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन 5.1.1 दिखा रहा है इधर और 8.1.0 पे है और सिक्योरिटी पैच अप्रैल पे ही है। तो ये पर्टिकुलर अपडेट आप एक्चुअली वीपीएन से भी डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी सेफ मेथड है और आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा, जैसे कि मैंने भी वीपीएन से किया। और एक बार ये वीपीएन से अपडेट होने के बाद कैश को क्लियर कर देना और फिर आपका काम हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आपका कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।